नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। क्या आप एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े, आपका समाज में रुतबा हो, लोग आपकी बात सुने और आपकी बात माने? क्या आप ऐसे पद को प्राप्त करना चाहते हैं जिस पद पर बैठकर आप किसी के जीवन बदल भी सकते हो, किसी का जीवन बिगाड़ भी सकते हो और किसी का जीवन बना भी सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भगवान बन जाओगे, लेकिन आप एक ऐसी पोस्ट पर पहुंच सकते हो जिस पर आप किसी को नौकरी पर रख भी सकते हो और किसी को नौकरी पर से निकाल भी सकते हो। यानी इसको कहते हैं किसी का जीवन बदल भी सकते हो। ठीक है, तो क्या आप इस प्रकार की पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी परिवार में पूछ हो? यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर तो बहुत बड़े बनते हैं लेकिन घर में उनकी बात कोई नहीं सुनता। तो आप ये चाहते हो कि घर में भी आपकी उतनी ही इज्जत हो जितनी की बाहर होती है? तो अगर आप भी ये सब चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताने वाला हूँ जो कि मकर संक्रांति को आपको करना है। ये जो उपाय है वो मकर संक्रांति से ही इसको शुरू करना है, इसलिए मकर संक्रांति का आपको ध्यान रखना है क्योंकि 15 तारीख को मकर संक्रांति है और उसी दिन से ये उपाय को शुरू करना है। उपाय क्या है कि आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ शुरू करना है। आदित्य हृदय स्त्रोत जो कि भगवान जो सूर्यदेव है उनकी आराधना, उनका एक स्रोत है जिसको हम आदित्य हृदय स्त्रोत के नाम से जानते हैं। उसमें 31 यानी कि 31 श्लोक है। उन 31 श्लोकों को आपको दोहराना है, यानी आपको पढ़ना है। और ये आप सुबह जब उठते हैं यानी कि सूर्य उदय के समय अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसी समय इसको किया भी जाता है। ठीक है, तो सूर्य उदय के समय आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है, वो भी 3 बार, क्योंकि आदित्य हृदय स्त्रोत का जो पाठ है वो 3 बार में किया जाता है। इसलिए आप इसको 3 बार करें। एक बार में 31 श्लोक होंगे और इसको पढ़ने में यानी मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, और जब आप इसको याद कर लेंगे बाय हार्ट जब आपको हो जाएगा तो मुश्किल से आप 3 से 4 मिनट में इसको पढ़ सकते हो। तो इस तरह से डेली अगर आप 10 मिनट, क्योंकि 3 बार पाठ करोगे तो आपको 10 मिनट लगेगा, अगर आप 10 मिनट डेली देते हो तो आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि आदित्य हृदय स्त्रोत का जो भी पाठ करता है उनको ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है वो सारी चीज़ों की प्राप्ति जरूर होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना आपको कि एक बार स्टार्ट करने के बाद इसको छोड़ना नहीं है और बिना नागे किए हुए आपको इसको करना है, यानी कि आपको कोई गैप नहीं देना है। बहुत बार अपन सोचते हैं ना, ऐसे आज नहीं कर रहा यार कल कर लेंगे, इतने दिन से तो करते आ रहे लगातार, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई शरीर साथ नहीं दे रहा हो यानी कि आप बीमार हो उस स्थिति में आप नहा नहीं पा रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन उस समय भी आप मानसिक रूप से उसका पाठ कर सकते हो। ठीक है, तो बिना नागे किए हुए अगर आप इसको नियमित रूप से करते हो और लंबे समय तक करते हो तो आपको जरूर इससे लाभ मिलेगा और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो आपको जरूर प्राप्त होगी। आशा करता हूँ कि आप जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ ना कोई लोग तो इस चीज़ को जरूर करेंगे और इसका फल प्राप्त होगा और आप मुझे जरूर बताएंगे कि हाँ हमको इससे लाभ हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप एक खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।